देश की मुख्य पक्षी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली के अफसरों के तबादले और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। वहीं अध्यादेश मुद्दे पर एएपी और भाजपा का सियासी विरोध सोमवार को और बढ़ गया। एएपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा। एएपी नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम का अध्यादेश संविधान और संघीय ढांचे को खत्म करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगेंगे। वे 23 मई को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 24 को उद्धव ठाकरे और 25 मई को शरद पवार से मिलेंगे। जब ये अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आए तो इसे गिराना होगा, क्योंकि भाजपा के पास राज्यसभा में नंबर नहीं है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। एएपी अब केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम लोगों के साथ साथ विपक्षी दलों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में जुटी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।